अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अमान और सेहत की हालत रखे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम पराठे बनाने जा रहे हैं, जो हम सैबरों और दूसरी दुकानों से लेके खाते हैं, वो जो फ्रोज़न पराठे होते हैं वो वाले बनाने जा रहे हैं। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1 कप सूजी ली है। सूजी को मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, ब्रीक कर लिया, मोटी सूजी थी। इसके साथ ही इसमें मिला देते हैं और 4 मैंने चम्मच बड़े बड़े घी के लिए, ये भी इसी में डाल देते हैं। और ये 1 चम्मच मैंने चीनी का लिया, थोड़ा सा नमक है और बेकिंग सोडा, ये देखिए मैंने इतना का लिया है, ये इसमें डालना है। एक मीठा सोडा होता खाने वाला, वो नहीं, बेकिंग सोडा लेना। और 1 अंडे को इस तरह फेंक के इसको डाल लेना। और इसके साथ ही ये मैंने दूध लिया, 1 कप दूध का लिया है। ये आपने फ्रिज वाला दूध नहीं लेना, तो रूम टेम्परेचर दूध लेना है। इसको डाल लेते हैं। इसको अच्छे तरीके इसकी डो बना लेते हैं। आम आटा जो गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह गूंद लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 10 मिनट के लिए मैंने आटे को गूंदा है। ये माशाल्लाह देखिए इस तरह हो गया। एक दफ़ा फिर इसको इस तरह गूंद लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह करके। अब इसके सारे पेड़े बना के रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ना इस तरह पेड़े आपने बना लेने सारे। इस तरह ये सारे पेड़े आपने बना के रखते हैं। मिलते हैं पेड़े बनाने के बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी देखिए पेड़े मैंने इस तरह बना के रख लिए, 10 मिनट मैंने रखे हैं। अब इसको पेड़े बनाते हैं दूसरे तरीके से, पलो वाले ना, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी देखिए मैंने सारे बना के रख लिए, ये सारे बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैं आपको पका के दिखाती हूँ किस तरह करना है। इसको नरम हाथों से काफ़ी सारा था नीचे ही कर लेना, बेलने के बगैर ही नरम हाथों से इसको करना है। फिर आप बेलने के साथ इसको आपने बेल लेना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ऐसे बिल गया। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तवा मैंने रखा चूल्हे के ऊपर, अब ये डालते हैं माशाल्लाह, ये बन गया। इस तरह ये सारे बना लेने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना मेरे उस्ताद है बाजी बुशरा, उन्होंने मुझे कहा था कि बारह मुझे बना के ना ज़रूर भेजना। ये बाजी बुशरा जी आपके लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बनाओ और खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। थोड़ा सा आपने नीचे भी घी लगा लेना है इस तरह। इसको थोड़ा सा ना हल्की आँच पर आपने पकाना है ऐसे। माशाल्लाह जी देखिए इसमें जो बेकिंग पाउडर है ना वो यार बड़ा काम करता है। थोड़ा सा ये फूल जाते हैं बेकिंग पाउडर से। आपने बेकिंग पाउडर डालना, बेकिंग सोडा नहीं डालना जो खाने वाला होता है। ये देखिए कितने प्यारे बन गए। एक जो मैंने चकोर बनाया था ना उसको देखे तो, ये भी देखे ऐसे हाथ में पकड़ लो। और उसके बाद ये दूसरे जो मैंने बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखे ये बिल्कुल वही है जो आप बाजार से लाते हैं। बल्कि भूल जाएंगे आप बाजार को जब आप घर से बनाएंगे, वही साइज और वही कलर। और ये चकोर भी पराठा बनाया, ये दूसरे मैंने बलो वाले बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे बिल्कुल साइज भी वही है बिल्कुल। ये देखो कितने क्रिस्पी ये बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ये देखे बिल्कुल ये वैसे बाल है। तो
ये बाजी पूछ रहा है जी आपके लिए, आपको डेडिकेट कर रही हूँ, इसे खाओ और दुआओं में याद रखना। जब भी अच्छा खाना देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ कबूल होती है, अल्लाह दुनिया में भी हलाल कमाई ता फरमा और आखिरत में हमें जन्नत के खाने खिला। आमीन सुम्मा।